चौमू विधानसभा क्षेत्र में अब की बार युवाओं में मतदान के प्रति काफी जोश देखा गया। नए मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नए मतदाताओं का कहना है कि वे पहली बार मतदान का प्रयोग करके खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके एक मत से सरकार बनेगी। वही 3 बजे तक विधानसभा क्षेत्र में 66% के लगभग मतदान हो चुका था। क्षेत्र के कई बूथों पर भारी मतदान देखने को मिला। समाचार लिखे जाने तक बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो किन मुद्दों पर आपने वोट किया है सरकार को? मैंने बेरोजगारी के लिए, क्योंकि मतलब जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जब देश की तरक्की होगी ना, और अकॉर्डिंग हम जिसको वोट दें वो हमें रोजगार ही देंगे। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं, मेरी वजह से आज सरकार चुनी जा रही है। मैं अपना वोट डेवलपमेंट को दे रही हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेस शालू बिहार। आपने पहली बार वोट दिया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वोट दे के। मेरी भी पहले इच्छा होती थी कि मैं भी कभी वोट देने जाऊं, जो मेरे पापा पेरेंट्स देने जाते थे, और अब मुझे ससुराल में आके पहली बार मौका मिला है वोट देने का। आपने जो वोट किया है, विकास पे किया है या किसी और मुद्दे पे किया है? किस मुद्दे पर आपने आज वोट किया है? विकास के मुद्दे पे देख लो या फिर अच्छे अच्छे एक सत्ता के रूप में देख लो। वोट आपने वोट दिया देखिए बहुत अच्छा लगा है। पूरी उम्मीद के साथ मैंने वोट दिया है कि शायद ये आगे चल के हमारे काम आएंगे। देखा है कि फैमिली को भी किए, उसी उम्मीद पे वोट देते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, तो शायद मुझे विश्वास है कि ये आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे हमारे लिए। आपने? मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैं मम्मी पापा के साथ में जिद करती थी कि मेरे को भी जाना है वोट देने। आज जब मैं 18+ की हो गई हूँ तब आज मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब छोटी थी तब मैं मम्मी पापा के साथ आती भी थी कि मेरे को चलना है, मुझे भी देखना है वोट कैसे देते हैं। और आज मैं जब हो गई 18+ तो आज मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने आज वोट दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से एक्साइटेड हो रही थी कि पता नहीं कब चलेंगे, मम्मी चलो ना वोट देने चलें। कितनी देर से मम्मी को बोल रही थी, मैं बोली रुक जा मेरा काम तो जाए पहले। फिर अब जब फ्री हुए तब आ गए वोट देने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज मेरा फर्स्ट वोट दिया मैंने आज। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कालाडेरा में पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पत्रकार का आरोप है कि कवरेज करने के दौरान उनका मोबाइल छीन लिया गया व कवरेज नहीं करने दिया गया। डीवाईएसपी संजय यादव, इसके तानाशाह को रवे के कारण ये सारा माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उसने मेरे पास निर्वाचन आयोग का कार्ड होने के बाद में, मैं यहाँ लोकल रिपोर्टर हूँ, उसके बाद मेरा फोन भी उन्होंने खोजने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने पब्लिक पे भी लाठीचार्ज किया है। कहीं कहीं संजय यादव का इसमें पूरा इन्वॉल्व है, कहीं कहीं ये शांति व्यवस्था भंग करना चाह रही है। और करीबन 2 या 3 लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी किया है, जो एसपी खुद उनको साथ लेके गए। आपने कहा कि आप मतदान नहीं करेंगे, क्या कारण है आपका? मैं और मेरा परिवार मतदान का बहिष्कार करता हूँ जब तक संजय यादव पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इनकी